अस्सलाम वालेकुम मी स्वीटी। हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं वेट लॉस जर्नी के बारे में। जो हमने हाफ पार्ट तो उसका बना दिया था। सबसे पहले आपको मोटिवेशन चाहिए होती है वेट लॉस करने के लिए, और फैट क्या होता है। और आज हमारी सेकंड वीडियो है, वेट लॉस से रिलेटेड है कि वेट लॉस करने के लिए मैंने कौन सी दो चीज़ें यूज़ की थी। एक तो पहली चीज़ थी कि मैंने एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज जो लोग स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए तो सबसे पहले आपके पास वेट मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। आप वेट मशीन ले लें, ये मीरपुर चौक के सामने जो मेडिकल स्टोर है मैंने वहाँ से पता करवाई थी। एक वो दे रहे थे 1700 और 2000 वाली भी थी उनके पास, और 2500 वाली भी थी। ठीक है, तो मैंने उनको कहा कि मुझे एक अच्छी सी मंगवा दें। तब वो ने कहा था मंगवा कर देंगे। फिर हमने ना DHQ सेल्ला के सामने से फिर हमें 1100 की वो वेट मशीन मिल गई थी, और वो बहुत अच्छी थी। तो हमने वो हमने कराए थे, और वो अभी भी है मेरे पास। और मैं डेली सुबह मॉर्निंग टाइम में अपना वेट चेक करती हूँ डेली। जब आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है ना, आपका फर्स्ट काम यही होना चाहिए कि आप सुबह उठें और सबसे पहले अपना वेट चेक करें। तो ये तो गया। और एक्सरसाइज में क्या चीज़, एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट जो मैंने किया था वो थी वॉक। मैं पूरा 1 घंटा वॉक करती थी बगैर रुके, नॉन स्टॉप मैं चलती रहती थी चलती। अब बिल्कुल स्पिटू मैंने भी नहीं चलना कि रेस लगा लेनी है दौड़ते जाने, नो, आहिस्ता आहिस्ता चलने। पूरा 1 घंटा वॉक करनी है, डेली का टाइम टेबल बनाने अपना, 1 घंटा आपने चलना ही चलना है। तो इससे मेरा वेट बहुत, ऐसा भी नहीं होता कि आपका वेट, आप देखते रहो वेट मशीन पे और वेट कम ही नहीं हो रहा, वेट कम नहीं, आपका वेट गिरेगा और एकदम आपका वेट गिरेगा एकदम। मैं 75 से 70 पे आ गई थी जब मैंने वॉक स्टार्ट की थी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है देन, ये तो कि एक्सरसाइज में क्या आ गया था वॉक, 1 घंटा जो हमने वॉक करनी है, और डेली आपने वेट अपना सुबह मॉर्निंग टाइम चेक करना है। ठीक है, देन डाइटेशन पे आ जाते हैं। मेरा दूसरा स्टेप था डाइटेशन। ठीक है, डाइटेशन में मैंने डॉक्टर फ्रीहा जी की वीडियोस से बहुत इंस्पायर हुई थी। वो पोर्शन साइज फूड बताती थी, तो मैंने वो अप्लाई किया था अपनी लाइफ में। ठीक है, उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया कि मेरा वेट गिरने लग गया था, क्योंकि मेरा स्टक हुआ हुआ था 75 से, ना आगे जा रहा ना पीछे आ रहा, उधर ही बस। तो मैं ठीक है वेट कम हो, तो फिर मैं डायरेक्ट आ गई थी पोर्शन साइज फूड पर। मैंने खाना पीना फिर जो भी लिया मैंने पोर्शन साइज में लिया। अब पोर्शन साइज फूड क्या है, अब अगर आप 1 रोटी खाते हैं तो आपको आधी रोटी खानी पड़ेगी, अगर आप 2 रोटियां खाते हैं तो आपको 1 रोटी पर आना पड़ेगा। और पोर्शन साइज में मैंने हर तरह का खाना खाया, हर तरह का मैंने फूड लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोक है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने मीठी चीज़ें छोड़ दी थी वेट लॉस करते हुए, नो, मैंने कोक थी तो मैंने कोक पी है, लेकिन मैंने ग्लास में नहीं पी, मैंने कप में पी है, क्योंकि हर चीज़ आपने थोड़ी थोड़ी लेनी थी। अब अगर मैं आधा ग्लास लेती ना तो मैं हैप्पी ना रहती कि मैं बाकी सब फुल ग्लास पी रहे हैं, मैं हाफ। तो मेंटली स्ट्रेस भी नहीं देना, मेंटली स्ट्रेस नहीं लेना हमने वेट लॉस करते हुए, अपने आप को हैप्पी रखना है। अब कप फुल था तो पता था कि फुल है, सब फुल पी रहे हैं तो मैं भी फुल पी रही। और अब हाफ रोटी, अगर जो पूरी रोटी खाता है उसने हाफ रोटी पे आना, तो ऐसा नहीं है कि वो हाफ रोटी पकाएगा। तो मैं क्या करती थी, अपने अपनी पाम हथेली के इतना सा आटा लेना है, इतने से आटे की आपने रोटी बनानी है, और वो पूरी सर्कल में पेपर की जितनी पतली रोटी होती थी जो मैं सुबह भी लेती थी, दिन को भी और रात को भी। ठीक है, तो इस तरह अगर हाफ हाफ रोटी को मिलाए ना तो 1.5 रोटी बनती है आपकी। और बस लोग कह रहे होते हैं मैं तो सिर्फ 2 टाइम खाना खाती हूँ तो मेरी 2 रोटियाँ, तो उसकी तो 2 रोटियाँ बनी, मैं जो हाफ हाफ खा रही मेरी 2 से कम 1.5 बनी, मेरा वेट लॉस हो रहा है, 2 रोटियों वालों का वेट लॉस नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, डिफरेंस देखें। मैं 3 टाइम खा रही पर हाफ 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 खा रही हूँ, क्योंकि बनाती फुल रोटी पूरी, लेकिन मैं पतली थोड़ी बनाती थी, तो इस तरह मेरा वेट थोड़ा लॉस हुआ। ठीक है, आप सब्ज़ी है तो वो ज़्यादा, सालन आप ज़्यादा ले लें, लेकिन रोटी आपने पतली ही बनानी है, इतने से आटे की रोटी बनानी है। ठीक है, पोर्शन साइज कोक है तो आपने छोटे कप में कोक पीना, ऐसा नहीं बाकी सारे पिए आप स्ट्रेस लेते रहो, मैं तो वेट लॉस में हूँ तो मैं नहीं पीऊँगा नहीं खाऊँगा, ये वाला काम नहीं करना। अब राइस बन गए हैं घर में तो आप क्या करेंगे, आपने बड़ी प्लेट लेनी है, बाकी सब बड़ी प्लेट में खा रहे हैं आपने भी बड़ी प्लेट लेनी है, लेकिन राइस आपने 8 चम्मच साइड पे थोड़े से लेने, दैट्स इट। मैंने जिसकी वीडियो देखी थी वो सिर्फ 4 चम्मच कह रही थी चावल, आप मैं क्या करती थी 4 चम्मच, स्ट्रेस होती है इतना थोड़ा नहीं बंदा खा सकता, आप ना 8 चम्मच चावल लें थोड़े से, और ज़्यादा रायता और चटनी ज़्यादा डालें उसमें, ताकि आपको लगे मेरी प्लेट फुल है। ये सारा दिमाग का खेल है, वेट लॉस करना माइंड गेम है। मैंने जो वेट लॉस किया मैंने हैप्पी रह के की है, मैंने ये नहीं किया कि मैं कम खा रही हूँ, नो। अगर आप ये सोचोगे मैं कम खा रही हूँ, मुझे भूख है, मुझे और खाना चाहिए, तो आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा। आपने ये करना है कि मैं सबके जितना ही खा रही हूँ, अपने दिमाग के साथ खेलना है। ठीक है,
तो इस तरह मैं करती थी और मेरा वेट एकदम गिर गया। तो अगर राइस पान गया तो आपने थोड़े से राइस और ज़्यादा आपने चटनी और रायता ले लिया और ज़्यादा सैलड ले लिया, तो इस तरह आपकी प्लेट आपको फुल नज़र आएगी, आप वेट लॉस कर लीजिए। देन और मैंने क्या किया था, हाँ, और रात का जो खाना है, सुबह का खाना अगर आपको हैवी खाना है तो आप खाएं दिन को मीडियम सा, लेकिन रात को हल्का सा खाएं, क्योंकि रात को हमने खाना खाने के बाद सो जाना होता है, तो इसलिए थोड़ा खाएं ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, आपका फैट ना बने वो, ठीक है। तो रात का खाना कोशिश करें ईशा की नमाज़ से पहले खा लें, फिर ईशा की नमाज़ पढ़ें और थोड़ी सी वॉक भी कर लें, और रात को कभी भी हैवी खाना नहीं खाना, रात को ईशा की नमाज़ से पहले। और कोशिश करें, मैं क्या करती थी, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के खा लेती होती थी जब मैंने वेट लॉस किया, 8 बजे से पहले पहले के काम ख़त्म, खाना बाद में कुछ भी नहीं खाना, इस तरह मेरा वेट लॉस हुआ। सो डैट्स इट, ये 2-3 चीज़ें थी, इससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था, अभी मैं अगेन स्टार्ट करूँ। हाँ, और जो लोग जॉब करते हैं और वो इतना मतलब पोर्शन साइज तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बंदा वीक हो जाता है, जो लोग जॉब करते हैं उनको चाहिए कि साथ विटामिन स्टार्ट करते हैं। मैं विटामिन लेती रही हूँ, लड़कियाँ तो ले सकती हैं, लड़कियों में मुझे पता, लड़कों का नहीं मुझे पता, वो डॉक्टर से पूछे से रिलेटेड। तो जो लोग जॉब करते हैं अगर वो वेट लॉस कर रहे हैं तो वो पोर्शन साइज के साथ विटामिन ज़रूर लें। मैं सर्वैक्स जी जो होती है, सर्वैक्स जी वो मैं खाती हूँ। ओके, तो ये 2-3 चीज़ें थी, और आपके पास वेट मशीन लाजमी होनी चाहिए। डैट्स इट, बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।